खर्चे इतने महंगाई बढ़ गई है तो क्या कमा लेगा इंसान, गरीब आदमी तो मर ही जाएगा। पढ़ाई नहीं की है। 2014 के बाद से बीए पढ़ने वाला भी आज के टाइम पे सड़क पे बैठ के पकौड़े तल रहा है। आज देखिए इलेक्शन कमीशन हो, सीबीआई हो, ईडी हो, सब पे जो है सो मोदी जी एक तरीके से कब्जा कर रखे हैं और लग ही नहीं रहा है कि ये संस्था जो है सो मतलब स्वतंत्र संस्था है। आम आदमी का देखिए तो जीना दुश्वार हो गया है। कहाँ 410 पे मनमोहन सिंह गैस सिलेंडर छोड़ के गए थे, आज 1150 को कहते हैं कि हम गरीब का सरकार की बार मोदी सरकार। कहीं ना कहीं जनता ने जो है भाजपा को अपने विकल्प के रूप में चुना, क्योंकि उनको रोजगार के मुद्दे थे, उनको महंगाई के मुद्दे तभी भी थे और घोटालों के मुद्दे तभी भी थे। तो अब जो है कांग्रेस पार्टी देश की जनता में विश्वास कैसे बना पाएगी? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। 2013 में मोदी जी का जो कैंपेनिंग हो रहा था 2014 वाले, इन लोगों ने उस समय एक परसेप्शन बनाया, ये 2G स्कैम, CWG स्कैम, बहुत सारे स्कैम हुआ ना, कोल स्कैम, एक भी स्कैम इन्होंने 9 साल में प्रूव कर पाए। 2G में तो कोर्ट ने क्या बोला, देयर वाज नो स्कैम। अपने पिता का, अपने दादी का बलिदान दे चुका, उससे ज्यादा देशभक्त और हो सकता है? ये मोदी जी जबरदस्ती उनको फंसा रहे हैं, जो भी आरोप लगाया जाए उनको वापस लिया जाए, हम इसलिए सारे आज मार्च कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? हम बुराड़ी विधानसभा। सर आप कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर से आए हैं, खतौली मुजफ्फरनगर, यूपी। We are from Vellore, Tamil Nadu. Being a common people of India, we severely, people of India, severely condemn this kind of atrocity taken by Narendra Das, Damodar Das. Okay. We don't want to call him as Modi, since it denotes a community. That's why we want to mention him as Narendra Damodar Das only. ये कह रहे हैं कि हम मोदी जी को अब नरेंद्र दामोदर दास कहेंगे और मोदी सरनेम यूज करना अवॉइड करेंगे। आई थिंक ये इनका तरीका है प्रोटेस्ट करने का। एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता है और ये लोग बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ पे पुलिस ने एक अलग तरीके की बैरिकेडिंग की है। अभी पुलिस को क्या डायरेक्शंस है ये हमारे सामने क्लियर नहीं है, लेकिन जो प्रोटेस्ट है इसको कॉर्नर किया जा रहा है एक तरीके से। यहाँ पे मार्च शुरू था लेकिन इस मार्च को इस स्थल पर रोक दिया जाता है और यहाँ पे पुलिस की वैन्स भी है, तो एक तरीके से इस मार्च को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बाद भी हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे आए हैं, जुड़े हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा हैं, लेकिन उन कार्यकर्ताओं में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आम लोग हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में जो उनकी तकलीफें हैं उनके बारे में भी उन्होंने हमसे बात की। जो भी होता है वी ट्राई नॉट टू गेट डिटेल। या आप देखो पेंशन लोगों की बंद हो जाएगी, जो पीएफ के जो पैसे थे वो सब अडानी को दे दिए गए हैं। 1 अप्रैल से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलने वाली है। नहीं, मेरा बिजनेस था, अब बिजनेस जीरो पे है। अब घर संभाल रही, बच्चे देख रही हूँ और क्या करूंगी। क्यों बिजनेस जीरो पे क्यों है? क्योंकि कंपनियां आधी कंपनियां तो बंद हो गई। ये GST का इतना ज्यादा हो गया कि जो मतलब छोटे क्लास के व्यवसायी थे वो उनका सारा सब खत्म हो गया। मैं खुद BA की हुई हूँ, जॉब नहीं है, बिना जॉब के बैठे हुए हैं। मोदी जी अमीर को और अमीर, अडानी और अडानी बने जा रहे हैं और गरीब होता जा रहा है। आपकी जॉब कब गई? मेरी जॉब को गए हुए 3 साल हो गए अभी। काफी टाइम से उसकी CTET की भी वो नहीं हुई है, क्या बोलते हैं, एग्जाम नहीं हो रहे, कंडक्ट नहीं हो रहे, और कुछ ना कुछ ऐसा कुछ निकल जाता है जिससे या तो वो पोस्टपोन हो जाते हैं या रद्द हो जाते हैं, उसमें पेपर लीक हो या कुछ हो। बस मोदी जी से हम ये जानना चाहते हैं क्यों लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और इन्फ्लेशन डे बाय डे इंक्रीज क्यों हो रही है, जो 2014 में 400 रुपये का सिलेंडर था आज की डेट में 1150 रुपये का। ये बेसिक मुद्दा है जो कि हम जैसे कॉमन पीपल के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी जो हमारे होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, इन्होंने नेशनल TV पर आकर क्या बोला, कह रहे भाई 15-15 लाख कोई मिलता है, ये तो एक जुमला था। बताओ इतनी बड़ी पार्टी बोलते, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी है, और उन्होंने बोला भाई ये 15-15 लाख तो एक जुमला था। विपक्ष तो आप लोगों से प्रश्न करेगा, पूछेगा, बात करेगा, आपको जवाब देना चाहिए। मीडिया का काम है मीडिया उससे बात करे, उनके उनसे प्रश्न करे, क्वेश्चन करे, जो आज सत्ता में बैठे हैं, हम उनसे क्वेश्चन नहीं करते। 2014 से पहले जो सारे राइट्स होते थे जनता के पास, नेताओं के पास,
आज वो राइट्स का हम अपना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, हमारे को परमिशन दी उसके बावजूद रोक दिया। मतलब पुलिस तो राजा महाराजा मुगलों के और उससे पहले के टाइम में होती थी, ताकत दिखाना, लोकतंत्र में नहीं होता था। ये जो मशाल शांति मार्च थी वो शांति वन तक पहुंच गए क्योंकि उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया। लाल किले के पास धारा 144 लागू कर दी गई जिसके मुताबिक 4 से ज्यादा लोग वहाँ पे इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो हम आगे बढ़कर यहाँ पे आ गए। देश की राजनीति किस मोड़ पर जा रुकती है या किस मोड़ कौन सा मोड़ लेती है ये देखना दिलचस्प रहेगा। 2024 के चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है और विपक्ष के लिए ये एक डेफिनेटली खुले तौर पर मौका है कि वो अपनी बात आगे रखे। और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे जिन्होंने हमसे बात की। आप देख रहे थे जनसत्ता, मेरे साथ मेरा दोस्त यहाँ पे कैमरा के पीछे मौजूद है। काफ़ी टेंस माहौल हो गया था एक टाइम पे जब वाटर कैनन्स रोड पर पार्क कर दिए गए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ऐसी बड़ी। लेकिन हम आप तक आम लोगों की बातें, आम मुद्दे ज़रूर पहुँचाते रहेंगे। आप देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।